महाराष्ट्र के भिवंडी में गरीब और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, तो वहीं ठाणे में केंद्र सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ ओबीसी महामोर्चा ने सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए नाना भाऊ पाटोले ने कहा कि ओबीसी विभाग ने एमपीसीसी अध्यक्ष नाना भाऊ पाटोले के लीडरशिप में ओबीसी के लिए आरक्षण को फिर से लागू करने और ओबीसी के अंतर्गत आने वाले सभी जातियों के विभाजन के साथ एक आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस मोर्चे को सफल बनाने के लिए भिवंडी कांग्रेस के सभी सम्माननीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संस्थान में 27% जो ओबीसी का आरक्षण था वो अगर गया है तो वो सिर्फ केंद्र सरकार के वजह गया हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनके पास जो इंपेरिकल डाटा था वो जब समय था वो समय में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं दाखिल किया और उस वजह से हमारा ओबीसी का 27% का जो आरक्षण है वो चला गया। उस अस्तित्व के हमारी लड़ाई के लिए देखो प्रतिनिधित्व ही अगर हमारा ओबीसी का अगर नहीं रहेगा तो हम हमारे मुद्दे कहाँ रखेंगे, हम किसके जाके गिड़गिड़ाएंगे, किसके सामने जाके गिड़गिड़ाएंगे। तो ये हमारी हक की हमारे प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, इसीलिए नाना साहब इस लड़ाई में हमारे साथ हमारे हर संघर्ष में हमारे साथ है। माली साहब जिस संघर्ष से जिस एनर्जी से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं ओबीसी को इकट्ठा करने के लिए उनमें जनजागृति लाने के लिए, उस वजह से नाना साहब जहाँ जहाँ कांग्रेस ओबीसी का कार्य प्रोग्राम होता है वहाँ वहाँ वो खुद आते हैं। ये एक उम्मीद वाले चित्र हम सब देख सकते हैं कि आने वाले समय में ओबीसी का राज इलेक्शन में ओबीसी कार्ड इलेक्शन में चलने वाला है और कांग्रेस ओबीसी के साथ है, तो आने वाले समय में महापालिका स्थानीय स्वराज संस्था में और ओबीसी को बहुमत प्राप्त होगा, ये हमारा आज का कहना है। रही अंतर अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय नाना भाऊ ने यहाँ बहुत बड़ा मीटिंग लिया, उस मीटिंग में हमका एक ही नारा है केंद्र सरकार के ऊपर हमारा हल्ला, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे ऊपर बहुत अन्याय कर रहा है और इसके खिलाफ हम रास्ते पे उतरे हैं। हम थाना पे नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में हम रास्ते पे उतरने वाले हैं और केंद्र सरकार का हल्ला बोल रहे हम यशस्वी करने वाले हैं। हमारे नेता ने हमको बोल दिया कि हमको रास्ते पे उतरना पड़ेगा केंद्र सरकार के ऊपर हल्ला बोल रैली करने के, क्योंकि हमारा आरक्षण तो उन्होंने छून लिया, हमारे जात न्याय जनगणना वो करना रहे, कुछ भी ओबीसी के बारे में नहीं कर रहे और इसके लिए हम बहुत संताप हमारे मन में आया है। पूरे महाराष्ट्र के ओबीसी में जितने लोग हैं उसके अंदर बहुत केंद्र के खिलाफ बहुत हम नाराज हैं और इसके लिए हम रास्ते पे उतरे हैं और नाना भाऊ के ऊपर बहुत बड़ा रैली लिया, कम से कम 5,000 लोग आज रास्ते पे आए थे, ये कोई जोक है नाना? और यहाँ की महानगर पालिका आगे में कांग्रेस के हाथ में आएगी, ये हमारा प्रचार का नारा फोड़ दिया ऐसा समझ लो।